तितली का संघर्ष। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकुन दिखाई पड़ा। अब हर रोज़ वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकुन में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकुन की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ, तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई। उस पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उल्टे बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकुन से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सबसे कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के सामान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी अक्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टि से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएगा जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाए। दोस्तों, तितली का संघर्ष आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एस के शर्मा 2268 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।